Hello students, hope all you are fine. So today here we will discuss 4 or 5 sums of exercise 9.6. It is based on the linear differential equation. और इससे पहले हमने कर चुके हैं, हम क्या क्या कर चुके हैं, सेपरेबल मेथड कर चुके हैं, होमोजीनियस फंक्शन कर चुके हैं, और अब थर्ड कर रहे हैं हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. हेयर वी हैव टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर सोल्यूशन, है ना. पर्टिकुलर सोल्यूशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ब्रिंग दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू इफ इट इज पॉसिबल, और अदरवाइज डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, है ना. हेयर पी एंड क्यू इज आर फंक्शन ऑफ एक्स और कॉन्स्टेंट, हेयर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ वाई और कॉन्स्टेंट, ठीक है. सो नाउ आई थिंक ये पहले वाली फॉर्म आ जाएगी मेरे ख्याल से, है ना. फर्स्ट फॉर्म है ही है, आ क्या जाएगी, गिवन ही दी हुई है ये, नो प्रॉब्लम, ठीक है. सो नाउ व्हाट विल बी देयर, पी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, आप पी की वैल्यू वाई को छोड़ के बाकी सारा लिख दो, माइनस थ्री कॉट एक्स, और क्यू कितना है, साइन टू एक्स. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट इंटीग्रेशन फैक्टर. व्हाट इज इंटीग्रेशन फैक्टर, ई रेज पावर पी इंटू डी एक्स. सो नाउ व्हाट इज दिस ई, पी कितना है, माइनस थ्री कॉट एक्स. सो नाउ व्हाट विल बिकम दिस, माइनस थ्री बाहर आ गया, और यहाँ पे कॉट एक्स का क्या इंटीग्रेशन होता है, कॉट एक्स इंटू डी एक्स, सीधा लिख रहा हूँ. कॉट एक्स का होता है साइन, देखो कॉस कौन साइन होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग साइन एक्स, है ना. अब ये माइनस थ्री यहाँ से हटा के मैं कहाँ पे लिख दूंगा, चलो मैं अगले स्टेप में लिख देता हूँ, ई लॉग साइन एक्स रेज पावर माइनस थ्री, ठीक है. अब इसको कैसे लिखते हो, ई की पावर लॉग एक्स है, तो ये एक्स आ जाएगा सिर्फ साइन एक्स की पावर माइनस थ्री, तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन साइन क्यूब एक्स. नाउ अगेन व्हाट यू कैन राइट इट, कोसेक क्यूब एक्स, है ना, ये लिख सकते हो, ये था इंटीग्रेशन फैक्टर. नाउ इंटीग्रेशन फैक्टर वाई इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू डी एक्स, ठीक है. नाउ वाई इंटू कोसेक क्यूब एक्स इज इक्वल टू क्यू, क्या था क्यू, व्हाट इज क्यू, क्यू साइन टू एक्स था, साइन टू एक्स इंटू कोसेक क्यूब एक्स इंटू डी एक्स. नाउ यू हैव टू सॉल्व इट, तो ये देखो वाई कोसेक क्यूब एक्स इज इक्वल टू साइन टू एक्स का फॉर्मूला खोल लो आप, ये क्या आ जाएगा, टू साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है. टू साइन टू एक्स का फॉर्मूला ये होता है, कोसेक क्यूब को नीचे लिख लो, ये कॉस क्यूब एक्स, है ना, कॉस क्यूब एक्स, दिस वे यू कैन राइट, नहीं कोसेक होता है साइन, तो ये क्या हो जाएगा, साइन क्यूब एक्स, ठीक है. एक साइन तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, देखो एक साइन तो क्या हो गया, कैंसिल. चलो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो वाई कोसेक क्यूब एक्स इज इक्वल टू टू बार लिखने, है ना, अब टू की जरूरत नहीं है, तो आप इसको ऐसे लिख दो, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. अगर मैं नीचे ये लिख दूं, साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू वन अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये इसके साथ कैंसिल हो गया. कॉस अपॉन साइन कितना हो जाएगा बेटा, कॉस अपॉन साइन, वन अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कोसेकेंट, मतलब कोसेक एक्स, कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स इंटू डी एक्स. अब ये इंटीग्रेशन होता है, किसका इंटीग्रेशन होता है, ये यहाँ से थोड़ा सा रद्द कर रहा हूँ मैं, ये किसका इंटीग्रेशन होता है, वाई कोसेक क्यूब एक्स इज इक्वल टू टू, ये होता है आई थिंक सो डैट माइनस कोसेक एक्स का, है ना. इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा कोसेक एक्स कोसेकेंट एक्स, प्लस सी तो यहीं से शुरू कर दिया करो, प्लस सी प्लस सी प्लस सी, है ना, प्लस सी, ये आ गया बस हमारे पास. इट दिस इज अ जनरल सोल्यूशन, इसको थोड़ा और आपने करना है तो आप और कर सकते हो क्या, इधर से मैं रद्द कर रहा हूँ. व्हाट वी कैन राइट टू इट, इसको और हम क्या लिख सकते हैं, देखो इधर कोसेक क्यूब को उधर ले जाए, कोसेक क्यूब को, है ना. तो नाउ व्हाट विल बी देयर, वाई इज इक्वल टू माइनस टू कोसेकेंट एक्स अपॉन
तो सेकेंड क्यूब एक्स प्लस सी अपॉन कोसेकेंड क्यूब एक्स। देखो ये कोसेकेंड क्यूब एक्स है ना, उधर जाके दोनों की तरफ डिवाइड होएगा दोनों के साथ। सो नाउ एक तो कैंसिल हो जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू ये क्या रहेगा माइनस टू वन अपॉन साइन स्केयर वन अपॉन कॉस स्केयर एक्स है, तो उसको क्या लिख दोगे साइन साइन स्केयर एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा सी साइन क्यूब एक्स। ये आ गया असल में जो हमारे पास क्या है जनरल सोल्यूशन, बट वी हैव टू फाइंड आउट पर्टिकुलर सोल्यूशन एक्स क्या y कितना है 2x कितना है पाई बाई टू, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c, तभी तो पर्टिकुलर सोल्यूशन बनता है। पर्टिकुलर सोल्यूशन का मतलब क्या होता है व्हेन वी विल रिमूव द आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स कौन से होते हैं a b c है ना। सो नाउ y इज इक्वल टू क्या है 2 इज इक्वल टू माइनस 2 साइन स्क्वायर x कितना है पाई बाय 2 प्लस c साइन क्यूब पाई बाय 2। साइन 0 0 होता है साइन 91 होता है, तो ये क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू माइनस 2 1 ही हो गया ये, तो प्लस c, तो c इज इक्वल टू क्या हो गया 4। तो व्हाट यू हैव टू राइट हियर, यहां पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, बस यहाँ पे आप क्या पुट कर दो 4। तो दिस वे यू कैन गेट हियर आंसर। ठीक है, आंसर चेक भी कर लेते हैं हम एक बार, आंसर चेक कर लें इसका भैया, आंसर 9.6 का 15 सम 4 साइन क्यूब एक्स माइनस 2 साइन, हाँ बिल्कुल सही है 4 साइन क्यूब एक्स माइनस डी। ठीक है, यही आंसर है नहीं, बिल्कुल ये आगे लिखा हुआ है माइनस वाला पीछे लिखा है। ठीक है, सो नोटेड डाउन। उसके बाद देखो 16 क्वेश्चन, एक वो बना के दी हुई है इक्वेशन है ना हमारे पास, स्टेटमेंट प्रॉब्लम की तरह दी हुई है, पढ़ो बिल्कुल आसान है। यस 16 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन देखिए, वो ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पासिंग थ्रू द ओरिजिन मतलब 0 0 से पास करता है। ठीक है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन गिवन डेट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy by dx हो गया ना, जो हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन कौन सा है 16, dy by dx स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसी को तो बोलते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट है ना, dy by dx स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, टेंजेंट जो है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, और कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे थे हमारे पास x एंड y उसने बोला, तो ये क्या हो गया x प्लस y, ये हो गया ना। अब इसकी देखो कौन सी फॉर्म आ गई, ये फॉर्म आ गई dy by dx माइनस y इज इक्वल टू x, स्टैंडर्ड फॉर्म होगी इसकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की पहले वाली, क्लियर। नाउ अब क्या करोगे आप, फिर भाई इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल दो इसका पहले, तो ई रेज पावर पी डी एक्स, पी डी पी कितना है माइनस वन इंटू डी एक्स, तो ये क्या हो गया ई रेज पावर माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया, फिर वाई इंटू ई रेज पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू क्यू, क्यू कितना है एक्स इंटू ई रेज पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इसको सॉल्व कर दो तो ये क्या आ जाएगा e रेज पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करोगे x इज द फर्स्ट फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ये बात याद रखना यार, बच्चा क्या करता है इसमें मिस्टेक, पहला लिख दिया फंक्शन, दूसरा e रेज पावर माइनस एक्स इसका क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे e रेज पावर x का क्या होता है e रेज पावर x, लेकिन यहाँ पे माइनस x का डेरिवेटिव इसके साथ क्या होगा डिवाइड होगा, और माइनस x का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस वन, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे माइनस, ठीक है माइनस वन आना था, फिर माइनस इंटीग्रेशन, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया वन ई रेज पावर माइनस एक्स माइनस, ठीक है इंटू डी एक्स, अब ये माइनस चलो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं वाई ई रेज पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स ई रेज पावर माइनस एक्स, ये प्लस हो गया यहाँ पे, और फिर क्या आ जाएगा ई रेज पावर माइनस एक्स, फिर माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है जब इसका इंटीग्रेशन करोगे, प्लस सी तो चल ही रहा है, प्लस सी तो यहीं पे लिख दिया करो चाहे आप, ये जो पहला स्टेप लिखते हैं ना, ये आ गया अब ई रेज पावर वाई माइनस ई रेज पावर एक्स इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा,
तो ये इक्वेशन क्या रह जाएगी, देखो y इज इक्वल टू माइनस एक्स, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा माइनस वन, ठीक है, प्लस सी ई रेज पावर माइनस एक्स, नहीं ये प्लस एक्स आ जाएगा ना, क्योंकि डिवाइड हो रहा है ना, तो इधर क्या हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब आप हमने क्या निकाल दिया वैल्यू किसकी, सी की वैल्यू निकालने के लिए एक्स भी जीरो वाई भी जीरो, तो ये क्या हो गया जीरो इज इक्वल टू माइनस जीरो माइनस वन प्लस सी ई रेज पावर जीरो वन, तो सी रह गया, सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वन आ जाएगा, सी इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस वन है प्लस वन हो जाएगा। नाउ व्हाट विल दिस इक्वेशन, y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन, सी वन ही आया प्लस ई रेज पावर एक्स, तो ये इक्वेशन हो जानी चाहिए ना, आप चेक कर लेना आंसर, ई रेज पावर एक्स माइनस एक्स माइनस वन, तो चेक कर लेते हैं एक बार आंसर इसका, है ना, चेक कर लो इसका आंसर 16 सम का, ये सारा कुछ ना उन्होंने इधर लिखा हुआ है y इज इक्वल टू, कोई बात नहीं आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हो नो प्रॉब्लम, y प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ई रेज पावर एक्स, मेरे ख्याल से यही लिखा होना चाहिए, हो सकता है ये लिखा हो ना, चेक कर लेते हैं हम फिर भी 9.6 यस ऐसे आंसर लिखा हुआ ना, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो जी, हाँ जी आंसर है, अब देखेंगे इसका 17 सम, ठीक है 17 पढ़ो सारे, यस 17 क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 0 एंड 2, इससे पास हो रही है ना, दिखाई दे रहा है यहां से, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 2, 0 एंड 2 के, ये 17 क्वेश्चन है ना, 0 एंड 2 गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सीड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट डैट पॉइंट बाय 5। देखो उसने ये कहा है, कोई पॉइंट है एक्स वाई है ना, उस पर टेंजेंट है, जो टेंजेंट क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है डी वाई बाई डी एक्स, ये टेंजेंट होता है इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये नहीं है ना, ये इक्वल नहीं है, दीज आर नॉट इक्वल, क्या बोला उसने, उसने ये कह दिया कि सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, दिस सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द कर्व एक्सीड्स द मैग्नीट्यूड, एक्सीड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंट, इसके टेंजेंट के मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को हम ऐसे लिखते हैं ना, ये हम 10th क्लास 10th चैप्टर में ही पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड को ऐसे मॉडुलस में लिखते हैं ना, तो जो इसका सम है इसके मैग्नीट्यूड से 5 ज्यादा है, ठीक है मेरी बात समझाई, इसका कोऑर्डिनेट्स का सम, कोऑर्डिनेट्स का सम इसके मैग्नीट्यूड से 5 ज्यादा है, तो मैं इक्वल लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि ये 5 इससे क्या है ज्यादा है, या तो मैं यहां पे माइनस 5 कर दूं, तो नाउ दे विल बिकम इक्वल, अब ये क्या आ जाएंगे इक्वल आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी 5 ज्यादा था, मैंने इसमें से माइनस 5 कर दिया है ना, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लो आप बस इस प्रॉब्लम को, तो हाउ यू कैन, देखो मैग्नीट्यूड है ये, एक बार पॉजिटिव होता है एक बार नेगेटिव होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड ये मॉडुलस की वजह से ना, लेकिन हम तो पॉजिटिव ही लेंगे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है आपको पता ही है ना, लेंथ, एक तरह से आप लेंथ समझ लो, तो वो हम क्या लेंगे पॉजिटिव ही लेंगे, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, वाई को आप इधर ले आओ माइनस वाई हो जाएगा यहाँ पे आके माइनस वाई, और एक्स माइनस फाइव इधर ही रह जाएगा, तो तभी ये फॉर्म बनेगी ना, ये कौन सी फॉर्म बनेगी, ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्यू, क्यों एक्स माइनस वाई आ गया, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। नाउ फिर वही करो आप, इंटीग्रेशन वेक्टर निकालो सबसे पहले, तो ई रेज पावर क्या हो जाएगा पी डी एक्स, ई रेज पावर माइनस वन, माइनस वन इंटू डी एक्स, तो ये क्या आ गया ई रेज पावर माइनस एक्स आ गया,
नहीं यार, हाँ ई रेज पावर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या लिखोगे, वाई इंटू ई रेज पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्यू कितना है एक्स माइनस फाइव, क्यू है ये पूरा, ठीक है, एक्स माइनस फाइव इंटू ई रेज पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन कैसे करोगे, ये देखो इसको ऐसे ही खोल लें, ये फर्स्ट फंक्शन मान लो, ये क्या है सेकंड फंक्शन। अब क्या हो जाएगा, वाई इंटू ई रेज पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, तो बाहर क्या आ जाएगा माइनस वन, वही पहले वाली बात, ठीक है। फिर माइनस एक्स माइनस फाइव का डेरिवेटिव वन आ गया, ठीक है ना, वन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ई रेज पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस इंटू डी एक्स, ठीक है। अब वाई ई रेज पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस फाइव ई रेज पावर माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस, यहाँ पे क्या हो गया प्लस हो गया, फिर इसका इंटीग्रेशन करोगे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है। प्लस सी, प्लस सी तो चल ही रहा है, अब दिखाई तो दे रहा ना यार ये, यस। अब क्या करोगे ई रेज पावर माइनस एक्स इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा इधर आके इसके नीचे, तो ये क्या आ जाएगा वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस फाइव, कट गया इसके साथ, इसके साथ भी कट गया माइनस वन, तो ये क्या आ जाएगा प्लस सी ई रेज पावर एक्स, ठीक है, पॉजिटिव हो गया ना ऊपर जाके। अब ये क्या बना देखो इधर, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस फाइव, ब्रैकेट खोली मैंने, माइनस वन प्लस सी ई रेज पावर एक्स, और नाउ व्हाट इज दिस, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस फोर प्लस सी ई रेज पावर एक्स। नाउ के कौन कौन से पॉइंट से यहां से पास होकर जाते हैं, ये कर्व, कर्व ये कर्व, ये फंक्शन आया ना, फंक्शन मतलब ये क्या आ गया कर्व आ गया ना, ये कर्व की इक्वेशन आ गई। तो नाउ व्हाट इज देयर, इट पासेस थ्रू 0 एंड 2, तो y 0 x भी 0 प्लस 4 प्लस c और e रेज पावर x 0 1 होता है, तो c इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 4 आ गया। नाउ पुट योर वैल्यू, y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 4 प्लस नहीं माइनस माइनस 4 e रेज पावर x आ गया। इसको थोड़ा सा वो लिख लो जैसे पहले लिखा था, हाउ यू कैन राइट इट, वाई प्लस एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस फोर ई रेज पावर एक्स, इसको यार ऐसे लिख लो ना, आप कैसे भी लिख सकते हो इसको, वो ऐसे लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपने पूरा आंसर मैच करना है तो देख लेते हैं हम क्या लिखा है, ठीक है, आंसर भी चेक हो जाएगा एक बार। y इज इक्वल टू, अब ये y इज इक्वल टू यही लिखा हुआ है आंसर है ना, फोर माइनस एक्स माइनस टू ई रेज पावर x। अरे यार ये टू क्यों आ रहा है, टू क्यों आ रहा है यहाँ पे, टू 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 क्यों आ रहा है, ये देखो आप भी, हमारा आंसर में फोर आ रहा है, वहां पे क्या आ रहा है टू आ रहा है, चेक करो यार इसको, चेक इट, टू फोर माइनस एक्स प्लस सी, सी की वैल्यू वाई इज इक्वल टू वाई टू था यार, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, वाई टू था यार, वाई तो टू था, एक्स जीरो है, वाई टू था, तो यहाँ पे जब मैं वैल्यू पुट करूंगा ना, वाई क्या है टू है, मैंने जीरो ही पुट कर दिया, वाई क्या है टू, ये देखो ना वाई टू था, तो माइनस ये क्या आ जाएगा, सी की वैल्यू थोड़ी सी गलत होगी, सी की, सी की वैल्यू क्या आएगी, सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस टू, सी की वैल्यू माइनस टू आएगी, वो आप यहाँ पे माइनस टू पुट करोगे यार, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आ जाएगी, अब यही आंसर दे रखा है ना उन्होंने, ये यही आंसर है मेरे ख्याल से, फोर माइनस एक्स माइनस टू रेज पावर, हाँ बिल्कुल यही आंसर है, फोर माइनस एक्स माइनस टू ई रेज पावर एक्स ना, ये चेक कर लेना जरा, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट सम, एट सम, एटीन सॉरी, कौन सा 18 सम, ठीक है 18 देखो क्या निकालना है, मेरे ख्याल से इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है, इंटीग्रेशन फैक्टर,
यस 18 सम द इंटीग्रल फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस ये हम सारे सम्स में निकालते हैं, आपको खुद ही करके लेना चाहिए था। माइनस वाई इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वेयर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय एक्स कर दे, डिवाइड बाय एक्स कर दो सारी इक्वेशंस को, माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू एक्स आ जाएगा, एक्स के साथ एक एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है तो क्या आ जाएगा, ये फॉर्म तो आएगी ई रेज पावर पी डी एक्स, पी की वैल्यू कितनी है माइनस वन बाई एक्स, यही है, वाई का कोफिशियंट जो होता है वो पी होता है ना, तो इंटू क्या आ गया डी एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, देखो ई रेज पावर माइनस बाहर आ गया तो क्या आ जाएगा लॉग एक्स, ठीक है लॉग एक्स, तो उसके बाद क्या लिख सकते हैं हम इसको, ई रेज पावर लॉग एक्स की पावर माइनस वन, फिर ये क्या आ जाएगा एक्स की पावर माइनस वन, तो वन अपॉन एक्स जो आ गया जी, इसका क्या आ गया इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया, ये कौन सा सम आंसर आना चाहिए इसका, सी पार्ट आना चाहिए, चेक कर लेना आप, ठीक है यू कैन चेक इट, ठीक है। तो अब करेंगे हम इसका 19 सम, 19 यहीं पे कर देते हैं, 19 क्या इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है, वन माइनस वाई स्क्वेयर डी एक्स बाई डी वाई प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू ए वाई इज इक्वल टू ए वाई, तो ये देखो ये क्या करोगे, डी एक्स अपॉन डी वाई है ना, इसको ऐसे ही रख लें तो डिवाइड कर दो बस इसके साथ, किसके साथ वन माइनस वाई के, ये देखो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस वाई एक्स अपॉन वन माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई अपॉन वन माइनस वाई स्क्वायर, ये कौन सी फॉर्म होगी, ये वाली फॉर्म होगी भैया, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, पी और क्यू क्या आगे किसकी फॉर्म में आगे, वाई की फॉर्म में आगे, ठीक है उल्टा होता है उससे। अब इंटीग्रेशन फैक्टर तो ऐसे ही निकाल दो आप, क्या हो जाएगा ई रेज पावर पी डी एक्स, पी कितना हो गया, ये हो गया वाई बाई वन माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो ये इसका डेरिवेटिव ऊपर पढ़ा नहीं है ना, तो यहाँ पे मैंने वन अपॉन टू कर दिया, तो यहाँ पे टू लगाना पड़ेगा, माइनस टू यहाँ पे लगा दिया, माइनस यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। ये थोड़ा सा इधर बताता हूँ आपको, इधर यहाँ पे बता रहा हूँ, अच्छा कंसेप्ट है ये, बहुत बार हमने इंटीग्रेशन में कर चुके हैं, हम इंटीग्रेशन की यार प्रैक्टिस हो रही है आपकी, ये भी इंटीग्रेशन चैप्टर की है ना। तो ये क्या हो गया, देखो ऐसा था मेरे पास ई रेज पावर यहाँ पे क्या था वाई अपॉन वन माइनस वाई स्क्वायर था, माइनस टू, ताकि इसका डेरिवेटिव ऊपर बन जाए, इसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस टू वाई, मैंने लगा दिया, अगर वहां पे लगा दिया तो माइनस वन बाई टू बार लगाना पड़ेगा, तभी कैंसिल होके वही रहेगा ना, ठीक है। तो ये क्या आ गया ई रेज पावर माइनस हाफ लॉग वन माइनस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा ना। अब ये माइनस वन बाई टू ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो ये क्या रह जाएगा, देखो इधर ध्यान से, ई रेज पावर लॉग वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस हाफ, तो ये क्या आ जाएगा ई रेज पावर लॉग एक्स का, ये आ जाएगा सिर्फ वन माइनस वाई स्क्वायर की पावर वन बाई टू, तो ये क्या आ जाएगा माइनस वन है, वन अपॉन वन माइनस वाई स्क्वायर की पावर वन बाई टू, और ये क्या होता है इसका मतलब अंडर रूट, अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गया इसका आंसर है ना। ये कौन सा पार्ट बन रहा है, आई थिंक डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर है ना। तो दीज आर द सम क्वेश्चंस ऑफ योर 9.6 एक्सरसाइज, डू इट, आप लोगों ने इसकी एग्जाम्पल्स भी करनी है, ठीक है, एग्जाम्पल साथ साथ करते रहो, ठीक है। सो होप आपको समझ आया होगा, सो कमेंट करके जरूर बता करो कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आई या नहीं आई है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।